हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। आई एम ललित सोनी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ तो बेटा, स्वागत है गुरु नीति 180 वर्सेज 180 की श्रृंखला में। आज अपन डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम थर्ड, और आप समझ सकते हैं कि आज अपन डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बिल्कुल एनसीईआरटी सीक्वेंस में अपन ने पहले किंगडम मोनेरा के क्वेश्चंस अपन ने किए, अब अपन किंगडम प्रोटिस्टा और फंजाई। बिल्कुल, तो थोड़ा सा जनरल कुछ सामान्य बातें मैं आपके सामने ब्रीफ कर देता हूं। तो आप समझ रहे बेटा कि देखो, जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा जो यहां पर है, तो किंगडम प्रोटिस्टा अकॉर्डिंग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, पांच जगत वर्गीकरण के अनुसार किंगडम प्रोटिस्टा में अपन किनको इंक्लूड करते हैं बेटा? ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ये इसका मेन क्राइटेरिया है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर यूनिसेलुलर है और वो यूकैरियोट है, तो हमने उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है। बिल्कुल सर, और इसकी कोई डिफाइनिंग बाउंड्री नहीं है। कंफ्यूजन इन स्टडी बाय मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ भी हो, पोषण का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो किसमें इंक्लूड होगा? प्रोटिस्टा किंगडम में इंक्लूड होगा। और रिसेंट टाइम में तो अपने वहां डिस्कस किया था कि क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को भी अपन वो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, लेकिन अकॉर्डिंग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन उनको कहां रखेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो देखिएगा कि इसके अकॉर्डिंग ही प्रोटिस्टा अपन बात है कि इन ग्रुप को इंक्लूड करता है, जैसे कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की अपन स्टडी करेंगे। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, पादप सम प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होंगे, इसका मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। बिल्कुल, तो प्लांट सेल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। बिल्कुल होगा, आप सेल वॉल होगी, पिगमेंट होंगे। तो आप समझिए कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट न्यूट्रिशन शो करेंगे बेटा, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, पादप सम पोषण, यानी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? और आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन आते हैं? तो क्राइसोफाइट्स, जिसके अंदर डायटम्स और डेस्मिड होते हैं। बिल्कुल, डायटम और डेस्मिड। और आप समझ सकते हैं इन ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे, डायटम डेस्मिड, उसके बाद आप करते हैं डायनोफ्लेजेलेट्स। इन दोनों के अंदर प्लांट की तरह न्यूट्रिशन होता है, ये फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर होलोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो डायनोफ्लेजेलेट्स आ गए, बिल्कुल पायरोफाइटा जिसको अपन बोलते हैं। बिल्कुल, उसके पश्चात आप जानते हैं इसके अंदर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का मीन है कि एनिमल सेल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। बिल्कुल, इट मीन सेल वॉल नहीं होगी, पिगमेंट नहीं होंगे, और होलोजोइक न्यूट्रिशन, और फिर अपन बात करते हैं कि इसमें इंक्लूड होंगे आपके स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड, तो स्लाइम मोल्ड आपके होते हैं प्रोटिस्ट डीकंपोजर। बिल्कुल, प्रोटिस्ट डीकंपोजर, जो डेड ऑर्गेनिक सबस्टांस को डीकंपोज करते हैं, वो स्लाइम मोल्ड इसमें आता है। और स्लाइम मोल्ड की वेजिटेटिव स्टेज में सेल वॉल नहीं होगी, जब इनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी स्पोर पे, ट्रू सेल वॉल होगी, तब ट्रू सेल वॉल होगी। इसलिए अपन कहते हैं कि ये ग्रुप है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होते भी। बिल्कुल, जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनाइजेशन शो करता है वो किसमें आएगा? किंगडम प्रोटिस्टा में। इसलिए इसकी कोई डिफाइनिंग बाउंड्री नहीं है, कंफ्यूजन इन स्टडी है। और आप जानते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज होंगे, कंप्लीटली यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा। हाँ, सेल के जो प्लोइडी है वो हैप्लोइडी भी हो सकते हैं और डिप्लोइडी भी हो सकते हैं। एक बार बीएल सर, मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा कि आप बच्चों को ये बात भी समझा दे कि जो सेल वॉल है वो फेवरेबल कंडीशन में होती है जब स्पोर बनते हैं, और जो प्लाज्मोडियम है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, इसके पश्चात अपन बात करते हैं कि भाई यहाँ जो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल होगा, डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल होगा, जायगोटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस, जिनके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रुप आएगा युग्लेनोड्स। युग्लेनोड्स, युग्लेनोड मेजोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस, और वैसे अपन बात की अदर प्रे को प्रेडेटर की तरह भी वो अपना न्यूट्रिशन पूरा कर सकता है, हेटरोट्रॉपिक भी हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये सारा। और अपन कहते हैं कि जो अकॉर्डिंग फाइव किंगडम, अकॉर्डिंग फाइव किंगडम पर बात करते हैं कि जो प्रोटिस्टा वो मिडिल किंगडम है, यानी ये केस किसको लिंक करता है? तो देखो यहाँ पे मोनेरा, मोनेरा किंगडम, ये फाइलोजेनी में आपको बता रहा हूं, और ये आपका प्रोटिस्टा हो गया। क्या हो गया बेटा? प्रोटिस्टा, मतलब मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा बन गया, उसका ये मिडिल किंगडम है। तो देखिएगा कि इट लिंक एट वन हैंड प्रोकैरियोट मोनेरा, और एट अदर हैंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। इट मीन जो आपका प्लांटी मल्टीसेलुलर प्लांट, ये आप समझ सकते हैं कि फंजाई और एनिमल, एनिमेलिया, एनिमल यानी एनिमल्स। बिल्कुल, यानी जो भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनका
ओरिजिनेशन उनका उद्भवन किससे हुआ? प्रोटिस्टा से। यानी सारे मल्टी सदर किससे निकले? प्रोटिस्टा से। तो ये मिडिल इंटरग्रेशन का इवोल्यूशन हुआ है, ये मिडिल किंगडम हो गया, यानी फाइलोजेनी होगी। जैसे अपने टाइप ऑफ सेल के ऊपर इसको डिवाइड किया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट से प्लांट लाइक से प्लांटी, एनिमल लाइक से एनिमेलिया, और जो भी स्लाइमोड से फंजाई, तो सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा से निकले। तो देखिए बेटा, अपनी जो जनरल बातें थी, नॉर्मल बातें थी, आप अपने क्वेश्चंस पे जाते हैं, तो आप नेक्स्ट देखिएगा, अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विद प्रोटिस्टा? निम्न में से कौन सा कथन प्रोटिस्टा से संबंधित नहीं है? आराम से अपन बात करते हैं। तो देखिएगा कि फर्स्ट 100% यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, यूकैरियोटिक कोशिका संगठन, बिल्कुल हो गया होगा, ये तो इसका मेन क्राइटेरिया है का होना। हाँ, तो आप समझ रहे हैं, साइक्लोसिस इन साइटोप्लाज्म, तो तुम जानते हो कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें साइक्लोसिस होती है, बिल्कुल, या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को सप्लीमेंट करती है, बिल्कुल, जैसे यहाँ पर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो साइटोप्लाज्म इस तरीके से रोटेशन करता रहता है, बिल्कुल, तो साइक्लोसिस यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है, बिल्कुल। रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, बिल्कुल सही बात है, बाय बाइनरी फ्यूजन भी हो सकता है, स्पोर भी बन सकते हैं, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं कि यूकैरियोटिक, बिल्कुल, गैमेट बनते हैं इसके अंदर, क्लियर। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर वेल डिफाइंड, ये गलत है, बाउंड्री नॉट डिफाइंड, बिल्कुल, बाउंड्रीज नॉट डिफाइंड, क्योंकि कंफ्यूजन इन स्टडी, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फोर। बाउंड्रीज की डिफाइन नहीं है, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है, किसी में सेल वॉल नहीं है, किसी में पिगमेंट है, किसी में पिगमेंट नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई क्लियर बाउंड्रीज की है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रेड डायनोफ्लेजिलेट्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लीकेशन एंड मेक द सी अपीयर रेड? निम्न में से कौन सा लाल डायनोफ्लेजिलेट तेजी से वृद्धि करते हैं और समुद्र को लाल बनाता है? युगलीना, युगलीना यहाँ पर जो है वो रेड टाइड प्रोड्यूस नहीं करता है, गोनियोलेक्स ये बिल्कुल यहाँ पे करता है, ट्रिपेनोसोमा जो वो तो प्रोटोजोवा हो गया, वो यहाँ पे नहीं आएगा, पैरामीशियन प्रोटोजोमा है वो भी यहाँ पे नहीं होगा, युगलीना भी नहीं करता, ये जिम्नोडियम करता है, गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडियम, ये दो आप यहाँ पर जो देख रहे हो ये ऐसे प्रोटिस्ट है जो सी के अंदर रेड टाइड प्रोड्यूस करते हैं, लाल तरंगे उत्पन्न करते हैं। एनसीआईटी लाइन है कि जो गोनियोलेक्स और जिम्नोडियम जो डायनोफ्लेजिलेट से रिलेटेड होते हैं वो रैपिडली डिवाइड होते हैं। हाँ। और दे प्रोड्यूस रेड टाइड्स, बिल्कुल रेड टाइड्स, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फोर। समुद्र में लाल तरंगे दिखती है इसके कारण, रेड वेव्स दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, द ऑर्गेनिजम्स विच कंप्लीटली लैक सेल वॉल आर? निम्न में से कौन सा जीव पूर्णतया कोशिका भित्ति रहित है? तो डायनोफ्लेजिलेट जो है इसमें तो सेल वॉल पाई जाती है, बल्कि हम तो ये भी बोलते हैं कि सेलुलोज की प्लेट्स यहाँ पर पाई जाती है। तो डायनोफ्लेजिलेट्स और डायटम तो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, बिल्कुल, वहां तो सेल वॉल भी होगी, पिगमेंट भी होंगे। हाँ, है ना, और क्राइसोफाइट भी, वो डायटम ही है, क्राइसोफाइट भी आ गया, यहाँ भी होंगे। सीधी सी बात आ गई, युगलेनोइड डे टाइम में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल, और आप समझ सकते हैं कि युगलेनोइड में सेल वॉल नहीं है, पेलिकल, पेलिकल का प्रेजेंस है, प्रोटीन की पतली परत जिससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? थर्ड, इसका सही आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर फोर, सेल वॉल हैज स्टिफ प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस विच आर कंपोज ऑफ एंड आर प्रेजेंट इन, कोशिका भित्ति की बाहरी सतह पर कठोर परतें पाई जाती है जो किनसे निर्मित है और किन में पाई जाती है? तो आपको यहां पर पता है कि जो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल है उस सेल वॉल पर सेल्यूलोज की प्लेट्स इस तरीके से अरेंज होती है, कड़ी पट्टिकाएं, कड़ी पट्टिकाएं, स्टिफ सेलुलोजिक वॉल बता रखी है, कड़ी पट्टिकाएं बता रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर देखिएगा कि पेक्टिन, युगलिना, युगलिना में सेल वॉल ही नहीं होती है, बिल्कुल, सेलुलोज डेसमिड, तो डेसमिड में आप जानते हैं प्लेटफॉर्म में नहीं होती है, सेलुलोज गोनियोलेक्स। हाँ। तो ये 100% आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गोनियोलेक्स है वो डायनोफ्लेजिलेट, डायनोफ्लेजिलेट, और इनमें ये स्टिफ्स पाई जाती है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं बेटा कि इस प्रोटिस्टा में आपको क्या देखना, जो भी आप ग्रुप पढ़ोगे जैसे डायटम पढ़ोगे तो सो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगी साबुन डिबिया, और सिलिका पार्टिकल उसकी सेलवॉल में होंगे, है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होगी, इनडेस्ट्रक्टिबल होगी, नष्ट नहीं हो सकती, बिल्कुल, जो सोइल में मिट्टी में आ जाती है। हाँ, फिर आप जानते हैं कि जब वो डिपोजिटेड होती है, जब डेड जो उसके रिमेन्स है, बिल्कुल, वो पेंदे में जमते हैं, तब किसल घर या डायटोमाइट सोयल आपकी बनती है, बिल्कुल। और डायनोफ्लेजेट्स के अंदर आप जानते हैं कि सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती है, स्टिप सेलुलोजिक वॉल होती है, स्ट्रिप्स होती हैं, बिल्कुल।
और आप जानते हैं गोनियोलेक्स उसी का एग्जांपल है, डायनोफिलेट का एग्जांपल। यूक्लिनोइड में रिमेड ऑफ सेल वॉल होती है, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। फोर्थ यहां पे है प्रोटीन एंड फाइसरम, फाइसरम तो स्लाइम मोल्ड होता है, स्लाइम मोल्ड तो यहां तो आप कह सकते नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सेल वॉल ऑफ सम प्रोटिस्ट इन इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर ड्यू टू परचेंज। अभी अपन ने बताया कि डायटम की जो सेल वॉल होती है वो इस फॉर्म में होती है, सो बॉक्स लाइक। तो देखिएगा कि डायटम की सेल वॉल सो बॉक्स लाइक होती है, इसमें दो आपके जो थीका होते हैं, एक एपिथीका एपिथीका और एक आपका होता है हाइपोथीका। तो एपिथीका हाइपोथीका ये जहां दोनों ओवरलैप करते हैं ये आपकी होती है गर्डल, बिल्कुल गर्डल होती है। ये आपका हो गया एपिथीका, ऊपर वाली कवरिंग एपिथीका, नीचे वाली कवरिंग हाइपोथीका। तो देखो बच्चों स्ट्रक्चर एक सोप बॉक्स की तरह हो गई, साबुनदानी की तरह हो गई, और सिलिका पार्टिकल इसमें इस प्रकार सिलिका पार्टिकल्स होते हैं, एम्बेडेड होते हैं सिलिका पार्टिकल्स, इसलिए आप जानते हैं इनडिस्ट्रिक्टिबल है बिल्कुल। लेकिन जब ये डायटम इनकी जब डेथ होती है, जब इनके रिमेन्स होते हैं वो थाउजेंड ईयर्स में, फिर आप जानते हैं कि जो बॉटम होता है सी का वहां पर जाकर डिपोजिटेड हो जाते हैं और ये डायटमस सोयल या किसल घर का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सो बॉक्स लाइक ऐसे, और आप समझ सकते हैं कुछ प्रोटिस्टा की कोशिका विधि प्रकृति में अविनाशी, किसकी उपस्थिति कारण, तो सिलिका पार्टिकल, बिल्कुल। तो भाई जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और सिलिका दोनों से बनती है, पर जो इनडिस्ट्रक्टिबल है वो सिलिका के कारण, सिलिका होती है। बिल्कुल, क्योंकि इनऑर्गेनिक है, इसको आप बोलते हैं प्रिश्यूल भी बोलते हैं, बिल्कुल प्रिश्यूल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाँ प्रिश्यूल इसको अपन बोलते हैं, बिल्कुल। तो आप नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्गेनिज्म हैविंग सो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, वही क्वेश्चन आ गया। अभी देखो आप अगर एक एक ग्रुप के पहले कैरेक्टर पढ़ लो एनसीईआरटी से, फिर कैरेक्टर पढ़ के आप क्वेश्चन करोगे चारों ऑप्शन पे जाओगे तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, है ना। इसीलिए सर हमने क्या किया कि पहले प्रोटिस्टा को एक तरफ कर दिया, बिल्कुल, ताकि आप एक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन, इंटरेस्ट आएगा आप चाहे फ्रेशर, अगर आप डायवर्सिटी टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने एनसीईआरटी से, आप कवर कर रहे हैं, आपका माइनर टेस्ट दे रहे हैं, किसी भी कोचिंग से आप कोचिंग ले रहे हैं, तो बिल्कुल आप अपने क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी को पढ़ते साथ इन क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो मजा आपको आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिज्म हैविंग सो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, साबुदानी जैसी संरचना, तो यूक्लिनोइड में तो सेल वॉल ही नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, डायटम अभी अपन ने बताया डायटम में होता है, डायनोफ्लेजेट्स में तो स्टिप्स के फॉर्म में सेलुलोज वॉल होती है, स्लाइमोइड में होती नहीं है। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड, वही क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ए ट्रांसवर्स एंड ए लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिलम आर फीचर्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक जो फ्लैजिला है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है और दूसरा ट्रांसवर्स होता है, तो ये बात यहाँ पे असर कर रहा है डायनोफ्लैजिलेट्स, लैकिंग द सेल वॉल, नहीं डायनोफ्लैजिलेट के अंदर तो सेल वॉल होती है, हैविंग स्कल्पर्ट्स, दैट बिल्कुल सही है, ये जो यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट है उस पर जो सेलुलोज की स्ट्रिप्स पाई जाती है वो डिजाइन फॉर्म में होती है, वो स्कल्पचर्ड फॉर्म में यहाँ पर होती है, हैविंग क्लोरोफिल ए एंड बी, डायनोफ्लैजिलेट के अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी यहाँ पर होता है, बिल्कुल हैविंग पेलिकल, ये तो सर कैरेक्टर यूक्लिनोइड का हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिएगा कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं तो डायनोफ्लैजिलेट के अंदर जो सेल वॉल होती है उसमें आप जानते हैं कि सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं, स्ट्रिप्स पाई जाती है, स्ट्रिप्स पाई जाती है, ऐसे सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है, और आप समझ रहे हैं कि ये जो सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं आपकी होती है इसमें सेलुलोजिक स्ट्रिप वॉल, बिल्कुल, और इसमें टू फ्लैजिला आपके यहाँ पे होते हैं, बिल्कुल। तो एक फ्लैजिला आपका होता है यहाँ, आप समझ सकते हैं कि भी एक फ्लैजिला आपका होता है इस तरीके से अरेंज होता है, क्लियर, और एक फ्लैजिला आपका होता है लॉन्गिट्यूडिनल, तो एक ट्रांसफर हो गया और एक लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, जो सिंगुलम इसका फ्रो होता है, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। तो पूरी स्ट्रक्चर्स आप देखें डायनोफ्लैजिलेट्स की और उसके अकॉर्डिंग तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का जो आंसर है कि भाई किसका, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेकंड, सेकंड आपका आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इनकरेक्ट मैच, डेस्मिड क्राइसोफाइट में आता है, बिल्कुल, एक तो डायटम और एक डेस्मिड दोनों क्राइसोफाइट के अंदर आते हैं, गोनियोलेक्स डायनोफ्लैजिलेट्स ये भी बिल्कुल सही है, पेलिकल यूक्लिनोइड्स, यूक्लिनोइड में सेल वॉल नहीं होती उसकी जगह पर पेलिकल होती है, प्रोटीन क्लियर होती है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट स्लाइम मोल्ड, ये यहाँ पे सर रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये तो डीकम्पोजिशन करता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही नहीं होते हैं, स्लाइम मोल्ड तो प्रोटिस्ट डीकम्पोजर है, डीकम्पोजिस्ट डीकम्पोजर, बिल्कुल यस। तो आप समझ रहे हैं कि अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4।
तो आप हम दोनों का यही लक्ष्य है कि पूरी तरह से आप एनसीईआरटी की थ्योरी को पढ़ें, आप लाइन टू लाइन क्वेश्चन करें, हम एक हैं और हम हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दोनों आपको लास्ट के अंदर देंगे, और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें कि आप समझ सकते हैं कि हमारा यूट्यूब पर आपको तुरंत जो नोटिफिकेशन आता रहे, और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस करें। तो ध्यान दीजिएगा कि भाई क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, इन युगलिना पिगमेंट्स आर फाउंड इन, युगलिना में वर्णक पाए जाते हैं। युगलिना जो यहां पर है आप कह सकते हो लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन लाइट अगर नहीं है तो उस केस में वो एज ए प्रीडेटर वर्क अपना करता है। तो इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, न्यूक्लियोइड नहीं, ये तो होता है प्रोकैरियोट्स में। प्लास्टिड, प्लास्टिड यहाँ पर जो है लवक है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड का टाइप है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसमें ट्रू क्लोरोफिल होता है, और पिगमेंट एज हायर प्लांट क्लोरोफिल ए एंड बी। तो आप समझ सकते हैं कि जो क्लोरोफिल ऑलवेज लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, जो थायलाकोइड मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल है ना, तो वहाँ दो थायलाकोइड में आपके होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में आपके होंगे, बाकी आप समझ रहे न्यूक्लियोइड वो तो प्रोकैरियोट का कैरेक्टर है, वैक्यूल पॉसिबल ही नहीं है, रिजोयर में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यूक्लिनोइड में सेल वॉल ही तो नहीं है, बाकी तो हायर प्लांट की तरफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो ट्रू क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है, तो 100% किस में लोकेटेड होंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के लिए। तो आंसर विल बी थर्ड, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर राइट फॉर गिवन फिगर, दिए गए चित्र के लिए कितने कथन सही है। ये डायग्राम जो बच्चों यहाँ पर युगलिना का डायग्राम है, आप जानते हैं दे हैव सेंट्रियोल इन देयर सेल, बहुत शानदार बात है। देखो इसमें फ्लेजिला है, और फ्लेजिला तब ही होती है जब सेंट्रियोल होता है, क्योंकि फ्लेजिला का जो बेसल बॉडी है वो सेंट्रियोल से बनता है सर। तो ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दे हैव क्लोरोप्लास्ट इन साइटोप्लाज्म, अभी आपको सर ने बताया था कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें पिगमेंट्स होते हैं। दे कंटेन टू फ्लेजिला, यहाँ पर दो फ्लेजिला पाए जाते हैं, जिनमें से एक तो होता है लार्ज और एक होता है, एक होता है इसमें शॉर्ट स्मॉल होता है। मेजोरिटी ऑफ देम आर फाउंड इन मेराइन वॉटर, यहाँ पर मेराइन वॉटर नहीं, मेनली ये फ्रेश वॉटर में पाए जाते हैं। द पिगमेंट ऑफ युगलिनोइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट हायर प्लांट, अभी अपन ने बताया कि भाई उच्च पादपों के समान इनके पिगमेंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, बिल्कुल है ना। तो ये एनसीईआरटी लाइन के हायर प्लांट की तरह पिगमेंट होते हैं। बेटा जी आप अच्छे समझ सकते हैं कि देखो ए बी सी और ई आपका हो गया, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आपका आंसर विल बी 4। अच्छा आपको अच्छे से बताएं कि जो युगलिनोइड होता है, तो युगलिनोइड में पेलिकल ही होती है, और पेलिकल पेलिकल किन में लेयर होती है, और आप समझ सकते हैं कि यहाँ ये रेजोवेयर, रेजोवेयर आपका फॉर्म हो जाता है रेजोवेयर, और इसके बेस पार्ट से आपके फ्लैजिला जाते हैं, तो एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट, यहाँ पैराफ्लेजुलर बॉडी भी होती है, यहाँ आप जानते हैं आई स्पॉट भी होता है, आई स्पॉट भी होती है, और लॉन्ग फ्लेजिलम ही यहाँ पर फंक्शनल होता है, शॉर्ट फंक्शन नहीं करता है। यहाँ का डायग्राम पूरा पॉसिबल भी आप एन साइड से पूरा डायग्राम अच्छे से देखें, तो अकॉर्डिंग अपन ने क्वेश्चन का आंसर आपके सामने शो कर दिया 4। हाँ तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, मेंबर्स ऑफ युगलिनोइड्स आर जनरली प्रेजेंट इन, मेंबर ऑफ युगलिनोइड मेनली कहाँ होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये रनिंग फ्रेश वॉटर में नहीं होते, ये स्टेग्नेंट जो फ्रेश वॉटर है वहां पाए जाते हैं। भाई जैसे पॉन्ड तालाब या झील का जो स्वच्छ जल होता है, फ्रेश वाटर होता है, तो ठहरे हुए जल में होते हैं, ठहरे हुए जल में स्टेग्नेंट वाटर के, बिल्कुल ठहरे हुए जल में आपके होते हैं, स्थिर अलवणीय जल में, स्वच्छ जल में होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका आ सकता है, और रनिंग साल्टेड वाटर नहीं हो सकता, स्टेग्नेंट साल्टेड वाटर नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो क्या हो गया, सेकंड, स्टेग्नेंट वाटर जो है उसी में युगलिना पाया जाता है, फ्रेश वाटर में आपके पाया जाता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, और भाई सेलवो नहीं होगा, पेलिकल होगा, हायर प्लांट के अंदर पिगमेंट होंगे, पैरामाइलम कार्बोहाइड्रेट का स्टोर फूड होगा, बिल्कुल बहुत सारे करेक्ट न्यूट्रिशन होगा। कोई भी आप फोटोसिंथेटिक को स्ट्रक्चर आ जाती है, सबसे पहले उसका सेल स्ट्रक्चर लिखो, बिल्कुल इसमें सेलोल नहीं है, लेकिन डायटम डायनोफ्लोजेन में सेलोल, तो उसका कंपोजिशन लिखो, बिल्कुल इनके पिगमेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखो, स्टोर फूड लिखो, और जो भी फ्लेजिला का अरेंजमेंट है वो लिखो, और उसके बाद इंपोर्टेंस लिखें आप, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप अगर पढ़ें तो अपन आगे पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर गिवन बिलो, नीचे दिए गए असुमेलित युग्म का चुनाव कीजिए, प्लाज्मोडियम स्प्रेड ओवर सर्वल फिट, बिल्कुल सही बात है, फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो स्लाइम मोल्ड है उसमें प्लाज्मोडियम बनता है जो काफी फिट ऊंचा होता है, फेवरेबल कंडीशन में वो ग्रो कर जाता है, सेवरल फिट तक वो ग्रो कर सकता है, और फिर आप जानते हैं कि वो प्लाज्मोडियम से ग्रो कर जाता है, उसी के ऊपर आपकी क्या बनते हैं, ऐसे फ्लोटिंग बॉडी बनती आएंगी,
तो ये करेक्ट है, हालांकि रिलेटेड है स्लाइमोड से, एक प्लाज्मा ने आपका प्रोटोजोन्स में भी है, बिल्कुल उससे रिलेटेड ये नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनाने में आपको ऐसे किया है। क्राइसोफाइट्स गोल्डन एल्गी, ये करेक्ट है, गोल्डन ब्राउन एल्गी आपके होते हैं। गोनियोलेक्स स्टिप सेलोज बार बार आ रहा है, मैनोफ्लेजेट्स है, तो करेक्ट है। और पैरामीशियम कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, ये गलत है, क्योंकि पैरामीशियम के अंदर न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, दो न्यूक्लियस होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है और एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, पैरामीशियम प्रोटोजोन से रिलेटेड, प्रोटोजोन से रिलेटेड, प्रोटोजोन्स एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, और आप जानते हैं कि एंशिएंट रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, आप जानते हैं कि जो जंतुओं के प्राचीनतम संबंधी संबंधी है, क्लियर, बिल्कुल। तो ये आपकी बात हो गई, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4, क्योंकि मिसमैच आपसे पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर डायनोफ्लैजेलेट्स, टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय डायनोफ्लैजेलेट्स कैन किल इवन फिशेस, बिल्कुल सही बात है, डायनोफ्लैजेलेट्स के नंबर अगर बहुत सारे हो जाए तो उनसे ऐसे टॉक्सिक सबस्टांस रिलीज होते हैं जिससे फिशेस वगैरह की डेथ हो जाती है, गोनियोलेक्स करता है, गोनियोलेक्स पीएसपी पैरालिटिक सेल फिश पॉइजनिंग, फिश पॉइजनिंग पीएसपी पैरालिटिक सेल, यानी उनका जो फिशेस का आवरण जो होता है पॉइजनिंग, और आप समझ सकते हैं कि फिशेज में जब ये चला जाता है सेक्सी टॉक्सिन होता है, तो ह्यूमन में भी आ सकता है एज ए फूड चेन, बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं कि वो फिशेज को किल कर देता है, करेक्ट है। द सेल वॉल हैज स्टिप सेलोज प्लेट आउटर सरफेस, अभी बात कर दिया, दे हैव टू फ्लेजिला शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ अराइज फ्रॉम सेम पॉइंट, ये तो युग्लिना का कैरेक्टर हो गया, हाँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक फ्लेजिला तो उनके अंदर क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है, एक आपका जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल होता है, बिल्कुल, व्हर्लिंग व्हिप्स, व्हर्लिंग व्हिप्स, बिल्कुल, तो उस फॉर्म में होते हैं, वो आपको शो कर देते हैं, क्लियर, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक, ये बिल्कुल स्टेटमेंट है, तो आप समझ, आपसे पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड, इसका बिल्कुल सही आंसर है, सारे आप जानते हैं कि तभी आपको मैंने करेक्टर बताया, बिल्कुल। अब आप नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, ऑर्गेनिज्म विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिश पॉइजनिंग, फिर आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, इसलिए हमने सारे क्वेश्चन को एक साथ किया है, तो आप समझ रहे हैं कि जीव जो मछली विषाक्तता के लिए उत्तरदायी हो सकते संबंधित हैं, बिल्कुल, रेड सी से नहीं है, ये तो आप जानते हो, ट्राइकोडेसमियम एक बीजी होता है, बिल्कुल, ट्राइकोडेसमियम बीजी है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको हम लोग यहाँ पे, लेकिन जो भूमध्य सागर का लाल कलर है, बिल्कुल लाल समुद्र, वो इस ट्राइकोडेसमियम बीजी के कारण होता है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि उसमें फाइकोरिथ्रिन की अमाउंट ज्यादा होती है, जनरली बीजीए के अंदर फाइकोसाइनिन ज्यादा होता है, तो ये ब्लू ग्रीन अपीयर होते हैं, बिल्कुल, लेकिन जैसे डेप्थ में जाते हैं और अगर मैराइन फॉर्म में हो तो फिर आप जानते हैं कि फाइकोरिथ्रिन ज्यादा होता है, ताकि वो इतनी डेप्थ में सनलाइट को वहां पर एब्जॉर्ब कर पाए, तो ये ट्राइकोडेसमियम बीजीए हो गया, बिल्कुल। आप जानते हैं रेड रस्ट, आपको कल बताया था कि सिफिलोरस, जो रेड रस्ट इन टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, यस, और रेड टाइड ये कोनियोलेक्स करता है, और रेड रोट ये तो आप जानते हो कि किंगडम हैविंग नो स्पेसिफिक बाउंड्री आ गया एंड सो डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वही लाइन शुरू में बोल दी थी अपन ने कि डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हुए भी आप जानते हैं कि यूनिसेल, सारे यूनिसेल यूकेरियोट, चाहे वो एनिमल लाइक हो प्लांट लाइक हो, उसको आप अगर एक किंगडम इंक्लूड करें तो वो किंगडम आपका क्या है कि मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसडक्शन आल्सो नहीं, ये प्रोकेट का करेक्ट है। ओनली पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, नो, सारे टाइप हैं उसमें, सेंट्रोफाइट भी है, फोटोट्रोपिक भी है, 70s राइबोसोम, ये तो आप जानते हैं कि प्रोकेट का है वैसे, क्लियर, तो आप जानते हैं कि मोस्टली एक्वेटिक, बिल्कुल भाई, प्राथमिक रूप से वो क्या होते हैं, जलीय होते हैं, ये लाइन आपकी एनसीईआरटी फर्स्ट लाइन ही है, तो आंसर आपका क्या हो गया, फर्स्ट इसका सही आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिए सर क्वेश्चन नंबर 16, रिसेंटली क्लोरेला इज प्लेस्ड इन फॉलोइंग किंगडम, देखो बच्चों पहले क्या था कि क्लोरेला जो है क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है तो उसको रखा गया था प्लांटिक किंगडम में, लीनियस ने क्या किया था, लीनियस ने दो किंगडम बनाए थे, प्लांटिक किंगडम एनिमल किंगडम, जिसमें सेल वॉल थी वो प्लांटिक किंगडम में, जिसमें सेल वॉल नहीं थी वो एनिमल किंगडम में, तो क्लोरेला में क्या था, सेल वॉल है तो उसको पहले रख दिया था प्लांटिक किंगडम में, लेकिन जो व्हिटेकर है उसने ये कहा कि साहब ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है तो हम इसको प्लांटिक किंगडम से निकाल के रख देते हैं कहां पर, अब बच्चे का भी कहते हैं कि भाई एल्गी है सर, तो एल्गी को आपने ग्रीन एल्गी को वहां कैसे, अरे भाई अकॉर्डिंग फाइव किंगडम जो भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट होगा उसको आप कहां ले जाएंगे, प्रोटिस्टा में, और जो भी आप समझ सकते हैं कि भी प्रोकेट ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा उसको आप कहां रखेंगे, मोनेरा में, मोनेरा में, अच्छा चाहे बीजी क्यों ना हो, ब्लू ग्रीन एल्गी है वो तो एल्गी है, ऑक्सी है, लेकिन आप जानते हैं प्रोकेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल, अच्छा
भाई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही फंजाई वर रिमूव्ड फ्रॉम किंगडम प्लांटी ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बिल्कुल, क्योंकि अपन अभी देखो फंजाई पढ़ेंगे जो फिलामेंटस मल्टीसेलुलर होते हैं और वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं लेकिन एब्जॉर्प्टिव अवशोषणी पोषण, अवशोषी प्रकार करते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, अवशोषणी पोषण, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं फिर एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि पहले वो डाइजेस्ट करते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ ये कुछ कैरेक्टर लिए जाते हैं। तो क्लोरेला किस में आएगा? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोनस और क्लोरेला। बिल्कुल, आंसर विल बी फोर। फोर्थ, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफाइटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब साइटोप्लाज्म में नेक्ड है और एक से ज्यादा इसमें न्यूक्लियस है, सैप्रोफाइटिक कंडीशन है। मोनेरा, मोनेरा जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होता, वहां तो न्यूक्लियस बहुत ही लेस डेवलप होता है, वहां तो जीनोफोर होता है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा यहाँ पर जो है उसमें जो स्लाइम मोल्ड होता है, हाँ। इस स्लाइम मोल्ड में ये सारे कैरेक्टर यहाँ पे होते हैं। प्रोटिस्टा या स्लाइम मोल्ड भी ज्यादा अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि अपन वहां बात करेंगे कि जो स्लाइम मोल्ड होता है, बिल्कुल स्लाइम मोल्ड होता है वो दो फॉर्म में होगा, एक सेलुलर स्लाइम मोल्ड और एक एसेलुलर। जो एसेलुलर होता है प्लाज्मोडियम एसेलुलर, उसमें आप जानते हो कि मल्टी न्यूक्लिएट सेल वॉल भी नहीं होती, मल्टी न्यूक्लिएट ये कंडीशन होती है। और जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड होते हैं वो स्यूडो प्लाज्मोडियम इस फॉर्म में आपके होते हैं। बिल्कुल, जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड होते हैं वो इस फॉर्म में आपके होते हैं। बिल्कुल, क्लियर। और वहां थोड़ा सा ऐसे मिशिलेज आपका होता है, तो आप समझ रहे हैं कि ये स्यूडो प्लाज्मोडियम। बिल्कुल, क्लियर। बिल्कुल, तो आप स्लाइम मोल्ड से रिलेट हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आर प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, डाई एटम ये फोटोसिंथेटिक है, यूग्लिमोइड जो है ये भी फोटोसिंथेटिक है लाइट की प्रेजेंस में, स्लाइम मोल्ड यहाँ पे आप कह सकते हो फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये यहाँ पर सैप्रोफाइटिक हो गया। अमीबा जो है ये यहाँ पे आप कह सकते हो कि फोटोसिंथेटिक नहीं है, प्रोटोजोआ हो गया। डायमोफ्लेजेलेट फोटोसिंथेटिक है, डाई एटम्स फोटोसिंथेटिक है, यूग्लिमोइड फोटोसिंथेटिक, डाई एटम्स फोटोसिंथेटिक और डायमोफ्लेजेलेट फोटोसिंथेटिक। थर्ड आंसर हो गया। बिल्कुल, इसमें ये भी फोटोसिंथेटिक है मेनली, तो देखो डायटम डायनोफ्लेजेट्स फोटोसिंथेटिक, ये तो प्योरली फोटोसिंथेटिक है दोनों, यूग्लिनोइड भी उसमें निकलो, ये लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक। बाकी हर ऑप्शन के अंदर आपको कोई ना कोई हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करने वाला दे रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। फोर्थ में यहां सीलिएटेड, मतलब ये आप कह सकते हो पेरेनिशन की बात कर रहे हैं, हां जूफ्लेजेट्स, ये यहां पे आप कह सकते हो फोटोसिंथेटिक है, ये यहां पे फोटोसिंथेटिक नहीं है। नहीं है, करेक्ट आंसर यहां पे थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, डाई एटम इज अर्थ इन सी ड्यू टू डिपोजिशन। पर बता रहे थे कि जो डायटम जब उनकी डेथ होती है उनके जो रिमेन्स होते हैं तो कंटिन्यूसली थाउजेंड ईयर हजारों वर्षों के अंदर जब उनके रिमेन्स धीरे 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 डिपोजिट होते हैं तो डाई एटम इज अर्थ या डाई एटम इज सोयल आपकी बनती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो डाई, आप समझ सकते हैं बेटा कि जो डाई एटोमेसियस अर्थ होती है कि सल घर आपके होते हैं, तो वो किसके हैं? सिलिका के, सिलिकॉन सिलिका के डिपोजिशन, बार बार आपको बता दिया अपन ने भाई। डायटम्स जो है इनकी सेल वॉल में सिलिका पाई जाती है बस। तो इसमें क्या होता है कि सबका तो डिकम्पोजिशन हो जाता है, सिलिका सिलिका बच जाती है जो नीचे बैठ जाती है। बिल्कुल, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। डायटम एंड डेस्मिड बिलोंग टू द ग्रुप, डायटम और डेस्मिड किसमें आते हैं? क्राइसोफाइट्स और क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डायटम एंड डेस्मिड्स, गोल्डन ब्राउन एल्गी क्राइसोफाइट्स इनको डायटम एंड डेस्मिड्स। और आप समझ सकते हैं कि इनकी सेल पे फ्लैजिला नहीं होता है, ये वाटर करंट के साथ पैसिव मूवमेंट करते हैं। पैसिव मूवमेंट का मतलब ये कि साफ फ्लैजिला तो है नहीं, तो पानी की धारा के साथ बैठे रहते हैं, तो इनका वेट बहुत कम होता है, माइक्रोस्कोपिक सेल है। बिल्कुल, तो अपर लेयर में जो वाटर करंट है जल धाराएं उनके साथ पैसिवली मूव करते हैं, और ऐसी फोटोसिंथेटिक सेल जो पैसिव मूव करेगी उनको आप कहेंगे फाइटोप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन आप समझ सकते हैं कि जिनमें फ्लैजिला नहीं होते। हां, एक्वेटिक फूड चेन के जो बेसिस हैं तो वो आपके हैं फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन जो कि प्रोड्यूसर्स है। यस, और ये डायटम में बहुत अच्छी लाइन है। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ क्राइसोफाइट्स आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। विच स्टेटमेंट आर राइट फॉर यूग्लिना, यूग्लिना के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सही है, तो दे हैव अनइक्वल फ्लैजिला। सही है, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक तो होता है लार्ज और एक यहाँ पे होता है स्मॉल फ्लैजिला। दे रिप्रेजेंट ओनली ऑटोट्रोपिक मोड, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये ओनली लाइट की प्रेजेंस में तो होगा फोटोट्रोपिक, और लाइट नहीं है
तब हो जाएगा सेप्रोफाइटिक, एज ए प्रीडेटर भी हो सकता है, प्रीडेटर भी हो सकता है, मैंने प्रीडेटर होता है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, बिल्कुल युग्लिना जो है फ्रेश वाटर में होता है। दे हैव सिमिलर पिगमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी सही पाए जाते हैं। दे मे ओबेन फूड बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल यहां ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा कि एब्सेंस ऑफ लाइट में वो किसी छोटे जीव का शिकार करके भोजन प्राप्त कर सकता है, भक्षण कर लेता है, नहीं है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि भाई जो करेक्ट स्टेटमेंट है आप समझ रहे हो कि ए है ना, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि सी, सी के बाद आप समझ सकते हैं डी और ई, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर स्लाइम मोल्ड, अवपंग के लिए कौन सा कथन गलत है। इट कंटेन ट्रू वॉल ऑन सम स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ साइकिल, बिल्कुल सही कि स्लाइम मोल्ड में जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है उसमें सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो प्लाज्मोडियम बनता है, प्लाज्मोडियम पर फ्लूटिंग बॉडी आती है, और फिर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल की ड्यूरिंग जब उनके अंदर स्पोर बनते हैं, तो स्पोर पे आप जानते हैं कि ट्रू सेल वॉल होती है, सेरोलॉजिक वॉल आपको वहां पर आती है, बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि भी ये करेक्ट है, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम, तो बिल्कुल करेक्ट है। दे मे सर्वाइव फॉर मेनी ईयर इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम अंडर डिफरेंट कंडीशन, यस बेटा। तो आप समझ रहे हैं ऐसे रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, प्लाज्मोडियम के रूप में कई वर्षों तक विभिन्न परिस्थितियों में नहीं रह सकते क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन के लिए स्पोर की जरूरत पड़ती है, उसमें सेल वॉल पाई जाती है, फेवरेबल कंडीशन तक ही, जैसे अनफेवरेबल आए तो फ्लूटिंग बॉडी में स्पोर बन गए ना, थिक स्पोर बन गए, यस। और वो भी आप जानते हैं कि जो स्पोर है वो भी जो एसेलुलर स्लाइमोड होते हैं उसमें अलग फॉर्म में, सेलुलर स्लाइमोड में अलग फॉर्म में होता है, और द स्पोर आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल वहां दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर लाइन, यस बेटा। और मौका मिलेगा आपको टॉपिक मस्त समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट आप देखिए, इसमें आंसर आपका थर्ड हो गया, बिल्कुल। एंड नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट विच आर फॉलोइंग, निम्न में से गलत कथन कौन से है। रेड टाइड मेक बाय रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायनोफ्लेजेलेट, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। डाई एटम हैव सिलिफाइड सेल वॉल, जो डायटम से उनके अंदर सिलिका पाई जाती है सेल वॉल में। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक, बट रिसेंटली क्लोरेला एंड क्लेमाइटोमोनास आर नॉट इंक्लूड इन प्रोटिस्टा, यहां तक सही हो गया, लेकिन यहां पर आपका क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। जो क्लोरेला है क्लेमाइटोमोनास उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है क्योंकि उनमें यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक कंडीशन यहां पे पाई जाती है। 100 ऑफ बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं हर जगह, एयर में, वाटर में, लेकिन इनका जो मेन हैबिटेट होता है सोयल होता है, और सोयल में आप जानते हैं हैंडफुल, एक अगर आप मुट्ठी भर ले मिट्टी की तो उसमें 100 ऑफ सेल, 1000 तक आपकी सेल्स होती है, तो ये करेक्ट है। तो आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड हो गया, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल, तो देखो अपन ने बताया आपको कि जो एनिमल के प्रिमिटिव रिलेटिव होते हैं वो प्रोटोजोन्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। तो प्रोटोजोन्स आप जानते हैं पुरातन संबंधी है एनिमल्स के, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, बिल्कुल, और होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। तो चार ग्रुप है वहां पर, अमीबॉइड जिनमें लोकोमेट्री ऑर्गन के बेसिस पे स्यूडोपोडिया, बिल्कुल, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, फ्लैजेला प्रोटोसोमा होता है, बिल्कुल, और आप जानते हैं सीलेटेड पैरामीशियम होता है, और वहां सीलिया लोकोमेट्री ऑर्गन्स है, फिर आपका स्पोरोजोन्स, आपसे तो स्पोरोजोन में कोई भी लोकोमेट्री ऑर्गन नहीं होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है, बिल्कुल, वो कंप्लीटली एंडोपैरासाइट का ग्रुप है। तो आप समझ सकेंगे, यहां देखिएगा ये तो करेक्ट है लेकिन ये गलत है, स्लाइमोड नहीं होगा, ये करेक्ट है, सॉरी ये गलत है लेकिन ये करेक्ट है, बिल्कुल, और ये 100% करेक्ट है। अमीबा एंड पैरामीशियम दोनों प्रोटोजोआ में आते हैं, और प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल्स के आप कह सकते हो पुरातन संबंधी उनके एंसेस्टर होते हैं, बिल्कुल। तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, Why deuteromycetes always called class of imperfect fungi? क्यों हमेशा deuteromycetes को अपूर्ण कवक का वर्ग माना जाता है? They are reproduced by conidia. बच्चों deuteromycetes जो है उनमें asexual reproduction conidia से होता है, स्टेटमेंट तो सही है लेकिन इस conidia से reproduction होने पर हम इसको imperfect fungi नहीं बोलते। The lack of gametophyte stage of life cycle, बिल्कुल सही है, यहाँ पे sexual जो stage है अब तक वो ज्ञात यहाँ पे है नहीं। When sexual form of these fungi are discovered, then they moved into another suitable class. हम इनको जब भी जो sexual stage discover होगी या तो ascomycetes में या basidiomycetes में रख देंगे, लेकिन ध्यान रखना हम इसको imperfect इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो sexual stage है सर अभी तक वो discover नहीं है। statement तो यहाँ पर दोनों सही है लेकिन इसका reason जो है वो यहाँ पे चला गया, option number
थर्ड हाँ, तो सर कह रहे थे कि भाई यहाँ सीधी से अपन बात करते हैं कि भाई फंजाई एक तो था लोअर फंजाई फाइकोमाइसिटीज है एलगल फंजाई, हायर फंजाई में आप समझ सकते हैं कि जो एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज आपके आते हैं और ड्यूटेरो, लेकिन ड्यूटेरो की लाइफ ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो परफेक्ट स्टेज है वो ज्ञात नहीं है, बिल्कुल, इसलिए आप जानते हैं कि उनको आप क्या कहते हैं फंजाई इम्परफेक्ट। बाकी फंजाई का जो क्लासिफिकेशन आपने बताया माइसिलियम स्ट्रक्चर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्लूटिंग बॉडी वहां पर लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया थर्ड हो गया, और फोर आंसर ये आप समझ सकते हैं स्टेटमेंट है देयर मेंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ लोअर फंजाई, तो ये गलत है बिल्कुल। हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 एडिबल फंजाई विच प्रोड्यूस एंडोजिनियसली देयर स्पोर, खाने योग्य कवक जो अपने बीजाणु को अंतर्जात उत्पन्न करता है, तो ध्यान दीजिए बेटा कि जो सेक्सुअल स्पोर है जैसे एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर और बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर, तो वहां जो प्लाज्मोगेमी होती है कैरियोगेमी होती है वो तो एस्कस या बेसिडियम में होती है, लेकिन जो मियोसिस होता है उसके बाद आप जानते हैं कि एस्कोमाइसिटीज में जो एस्कोस्पोर है वो एंडोजिनियसली अरेंज होते हैं और बेसिडियम में क्या होते हैं एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, तो बेसिडियम के बाहर आप समझ सकते हैं उसको क्लब फंजाई अपन कहते हैं, तो ऐसे आपके स्पोर अरेंज होते हैं बेसिडियो स्पोर। तो अब यहाँ से पूछा आपसे कि वह खाने योग्य कवक जो अपने बीजाणु को अंतर्जात करता है, तो एगेरिकस तो आप समझ सकते हैं कि भी मशरूम है तो वहां तो एक्सोजेनसली होते हैं, ये नहीं हो सकता एडिबल है एडिबल तो है बिल्कुल एंडोजेनस नहीं। राइजोपस आप जानते हैं कि फाइकोमाइसिटीज से रिलेटेड है, एडिबल है नहीं, है ना। और हाँ मोरिल बफल ट्रफल रिलेटेड है एस्कोमाइसिटीज, और मोरिल बहुत ही डिलीशियस बहुत सुस्वादु खाने योग्य कवक है, तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 सेलेक्ट राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए कथनों में से सही तथा गलत कथनों का चयन कीजिए। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज है उसमें एसेक्सुअल स्पोर जो है वो एब्सेंट रहते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते, एसेक्सुअल टाइप के स्पोर बेसिडियो में एब्सेंट होते हैं, ये आपके इंसर्ट की लाइन है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। 8 एस्कोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रिपेयर्ड इन एस्कोमाइसिटीज, तो ये रॉन्ग हो गया कि अभी मैंने आपसे बताया था कि जो एस्कोस्पोर है वो एस्कस में एंडोजेनसली अंतर्जात रूप से अरेंज होते हैं, बिल्कुल है ना, वहां एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे, तो ये रॉन्ग हो गया। बोथ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज हैव डाइकेरियन फेज, बिल्कुल करेक्ट है कि जब उनके अंदर फंगल हाइपी होते हैं, और फंगल हाइपी आप समझ सकते हैं कि जो सेप्टेट होते हैं, और फंगल हाइपी जैसे ही फंगल हाइपल सेल्स एक दूसरे फ्यूज होती है, तो फ्यूज होते ही उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, तो दो न्यूक्लियाई पर सेल हो जाते हैं, डाइकेरियन फेज आ जाता है, एक लॉन्ग इंटरवेल कंडीशन आती है प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी मियोसिस, तो प्लाज्मोगेमी होने के बाद कैरियोगेमी और प्लाज्मो के बीच में इंटरवेल स्टेज आती है डाइकेरियन फेज, डाइकेरियन बिल्कुल, तो ये आप समझ सकते हैं कि करेक्ट है। सिनोसाइटिक कंडीशन एंड जूस स्पोर फॉर्मेशन इज ए कैरेक्टर ऑफ फाइकोमाइसिटीज, बिल्कुल करेक्ट है कि फाइकोमाइसिटीज में जो फंगल हाइपी होता है वो एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट होता है, एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट एज ए ट्यूब नलिका की तरह सतत नलिका का कंटिन्यूस ट्यूब जहां बीच में सेप्टा नहीं है न्यूक्लियाई है, मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन, बिल्कुल सिनोसाइटिक कंडीशन हो गई। और जू स्पोर वहां पर आप जानते हैं कि जो एल्बुगो होता है जो ओमाइसिटीज मेंबर होते हैं वहां पर आप जानते हैं कि जू स्पोर एंजियम में मोटाइल फ्लेजिलेटेड यानी मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर आपके बनते हैं, तो करेक्ट है। और यहां पर कह रखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म बाय ऊ स्पोर एस्कोस्पोर, तो आप समझ सकते हैं बेटा जी कि ये जो ऊ स्पोर है एस्कोस्पोर है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आएंगे, एसेक्सुअल स्पोर होते नहीं है, कोनिडिया है बिल्कुल, जू स्पोर है, एपेनोस्पोर है, एपेनोस्पोर स्पोर एंजियो स्पोर है, बिल्कुल दीज आर एसेक्सुअल स्पोर, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, तो यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट है ए सी डी, तो आप समझ रहे हैं कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट ए सी एंड डी एंड बी एंड ई इज रॉन्ग, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर 28 फाइंड आउट द पैरासाइट सिम्बायोटिक एंड सेप्रोफाइटिक फंजाई इन करेक्ट सीक्वेंस, तो यहां पर अपने को परजीवी सहजीवी और मर्तोपजीवी देखना है। यीस्ट यहां पर जो आप कह सकते हो ये पैरासाइट फंजाई यहां पर नहीं है। एगेरिकस की हम यहां पर बात करें तो एगेरिकस जो है वो आप यहां पर कह सकते हो एडिबल है, सेप्रोफाइटिक है, पेनिसिलियम यहां पर जो है वो भी यहां पर सेप्रोफाइटिक है, तो यहां पर ऑप्शन यहां बैठेगा नहीं बैठे। पक्सिनिया ये पैरासाइट है, न्यूरोस्पोरा यहाँ पर जो है सेप्रोफाइटिक है, ग्लोमस जो है वो आप यहाँ पर कह सकते हो सिम्बायोटिक है, आपसे कंडीशन पूछिए लेकिन पैरासाइट सीक्वेंस से अपने को बताना है सेप्रोफाइटिक, तो देखिएगा यहाँ पर एल्बुगो, बिल्कुल जो एल्बुगो है वो आप समझ रहे हैं बेटा कि भाई यहाँ अपन देखेंगे कि एल्बुगो आपका पैरासाइट है, बिल्कुल ग्लोमस सिम्बायोटिक है और पक्सिनिया पैरासाइट, ये भी नहीं बेटा, तो फिर बचा ही जो ऑस्टिलेगो है, ऑस्टिलेगो पैरासाइट है, ग्लोमस
आप जानते हैं फंजाई जो माइकोराइजर रिलेशनशिप में होता है, तो वो आप समझ रहे हैं कि भाई सिम्बायोटिक है, और मशरूम, मशरूम जो एडिबल एग्रीकस, तो आपको एंसेंट ने बता रखा है कि जो मशरूम आपको मोस्ट सीनेबल यानी इस प्रकृति की सबसे दिखने वाली जो कवक है वो मशरूम ही है, और वहाँ सोयल के अंदर मशरूम को ग्रो करते हुए जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हुए बताया गया, तो सैप्रोफाइटिक आपकी होती है, और एडिबल फंजाई वैसे भी सर सैप्रोफाइटिक होती है, जो एंटीबायोटिक देती है एडिबल होती है ना, जो डिजीज करती है वो पैरासाइट होती है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मशरूम। क्लियर, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी गिवन पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का जो प्रोडक्शन है, देखो बच्चों यहाँ वायरस आ गया तो वायरस से एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड बियर, यीस्ट, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सेल वॉल ऑफ फंजाई काइटिन से बनती है, पॉलीसेकेराइड से बनती है। स्मट डिजीज ऑफ मस्टर्ड आप कह सकते हो, स्टिल से होता है। यूज्ड इन द स्टडी ऑफ जेनेटिक वर्क न्यूरोस्पोरा आप कह सकते हो कि जो ड्रोसोफिला है उसके समान फेमस जो प्लांटी किंगडम में है वो यहाँ पे कौन है, न्यूरोस्पोरा है। इस पर यहाँ पे बायोजेनेटिकली वर्क हम लोग करते हैं, बहुत सारे बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट न्यूरोस्पोरा को है। ये पिंक मोल्ड है और पिंक मोल्ड है, और आप समझ सकते हैं कि बिडल और टेटम ने वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट आपका दिया था, बिल्कुल न्यूरोस्पोरा पे न्यूरोस्पोरा के ऊपर दिया था, और ये बायोकेमिकल या एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज हुआ था, बिल्कुल। इसलिए आप इसको कहते हैं कि यूज इन जेनेटिक स्टडी, तो आप समझ सकते हैं कि ये करेक्ट है। स्मट आप समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ही करता है। सेलवाल फंजाई की आप जानते हो सैक्रोमाइसिस जो बेकर यीस्ट एंड बियर सीज, पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ वायरस के कारण नहीं आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये बी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, और ई भी करेक्ट है, तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू, बिल्कुल सरसों की पत्तियों पर श्वेत धब्बे, तो ये आप समझ सकते हो कि फाइकोमाइसिटीज में जो दो सब क्लास है, उमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज, तो उमाइसिटीज सब क्लास उमाइसिटीज का जो मेंबर है, सब क्लास उमाइसिटीज का मेंबर है एल बुगो, और जो एल बुगो कैंडिडा है, एल बुगो कैंडिडा इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल अविकल्पी परजीवी है, समझ रहे, यानी आप कहते हैं कि ऑब्लिगेट पैरासाइट इन क्रूसीफर, बिल्कुल, तो मस्टर्ड किससे रिलेटेड है, क्रूसीफर से, बिल्कुल ब्रेसिकेसी से, तो मस्टर्ड की लीव्स पे वो व्हाइट ब्लिस्टर व्हाइट स्पॉट जनरेट करता है, तो अपन कहते हैं कि एल बुगो कैंडिडा, बिल्कुल, जो आप समझ सकते हैं कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर सरसों में श्वेत कीट रोग आपका करता है, तो ये सेप्टेड पैरासाइटिक फंजाई होता है, सेप्टेड नहीं होता है वो, ये सिनोसाइटिक पैरासाइट फंजाई होता है, बिल्कुल करेक्ट है कि जो फाइकोमाइसिटीज है, सबसे पहले अपने जो फंजाई का क्लासिफिकेशन किया वो माइसिलियम की स्ट्रक्चर पे किया, तो सर माइसिलियम की स्ट्रक्चर पे किया, तो फाइकोमाइसिटीज में जो फंगल हाइपी होते हैं एसेप्टेड, वो कंटिन्यूस ट्यूब लाइक होते हैं, एसेप्टेड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में सेप्टा नहीं होता, बिल्कुल जिससे मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, सिनोसाइटिक होते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर सेकंड है। ये डाइकेरियन पैरासिटिक, वहां डाइकेरियन बनता ही नहीं है, और एन इम्परफेक्टली पैरासिटिक फंजाई हो गया, तो ड्यूटेर हो गया, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट व्हिच रिलेटेड विद फंजाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय कोनिडिया और जूस पोर्ट, जनरली बिल्कुल यहाँ पे सही बात है, जो फंजाई है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होता है एंड जूस पोर्ट से होता है। Some are chemo autotrophic fungi, तो autotrophic होता ही नहीं है, कभी नहीं होता, तो यहाँ पर wrong statement है। Some members present in root of higher plants as mycorrhizae, बिल्कुल यहाँ पर सही बात है, ऐसे प्लांट जिनमें रूट है लेकिन रूट हेयर्स नहीं पाई जाती है वहां पर फंजाई जो है वो माइकोराइजा रिलेशन शो करते हैं, जैसे पाइनस के अंदर करता है। मोस्ट ऑफ फंजाई एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्टांस एंड आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक फंजाई, बिल्कुल यहाँ पे फंजाई सेप्रोफाइट भी होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट हाई टेम्परेचर एंड लो लाइट कंटेंट एनवायरमेंट, बिल्कुल यहाँ पर सही बात है, फंजाई की ग्रोइंग सीजन होती है रेनी सीजन, बिल्कुल, यानी ये सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी पे, बिल्कुल जब टेम्परेचर भी हो मॉइस्चर भी हो, आद्र स्थान हो तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, फैलते हैं, जैसे वर्षा ऋतु में आप देखते हैं कि हर चीज अचार के ऊपर लकड़ी के ऊपर फंगस आ जाता है, बिल्कुल, तो ये करेक्ट है। आप समझ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ फंजाई क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करते हैं, जैसे सेलुलोज या प्रोटीन को ग्लूकोज या अमीनो एसिड में, उसी से एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन करते हैं, बिल्कुल अवशोषण पोषण करते हैं, तभी तो सैप्रोट्रॉप्स हैं, ऑस्मोट्रॉप्स, बिल्कुल, और डिकम्पोजर है,
है ना। तो ये आप समझ रहे हैं, सारी बातें क्लियर हो गई। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप समझ रहे हैं बेटा कि जो क्वेश्चन का आंसर है भाई ये कभी नहीं हो सकता, ये करेक्ट है, सी करेक्ट है, ये करेक्ट है, डी ए, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। चार स्टेटमेंट आपके सही होंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 32। पक्सिनिया ग्रैमिनिस इज ए वीट रस्ट कॉजिंग पैथोजन रिलेटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। पक्सिनिया ग्रैमिनिस जो है वो गेहूं में कीट रोग उत्पन्न करता है और एक किस ग्रुप से संबंधित है। आप कह सकते हो पक्सिनिया यहाँ पर जो है वो बैसिडियोमाइसिटिस जो होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काइट फॉर्मिंग बैक्टीरिया लाइक एलेबी, नो, एडिबल फंजाई लाइक मशरूम, ये यहाँ बिल्कुल सही है, सही है। मशरूम जो एगेरिकस है उससे रिलेटेड यहाँ पर रिलेटेड कैसे हो गया, क्योंकि मशरूम है ना वो बैसिडियोमाइसिटिस में आएगा। बिल्कुल। और पक्सिनिया भी, पक्सिनिया भी किस में आएगा, बैसिडियोमाइसिटिस में। बस ये सैप्रोफाइटिक है और एडिबल है और वो आपका पैरासाइट है, बस इतना सा फर्क है। और यूग्लिना लाइक नहीं होगा, एडिबल नहीं होगा। और नेक्स्ट में अपन जब और फंजाई क्वेश्चन रिलेट करेंगे उसकी भी थ्योरी आपको समझाएंगे थोड़ा सा। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल आप एक एक ऑप्शन पे काम करें, आप फंजाई को पूरी थ्योरी एनसेट से पढ़ें। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33। सेलेक्ट मिसमैच पेयर ऑफ फंजाई राइजोपस, राइजोपस में स्पोरेंजियोस्पोर। बिल्कुल यहाँ पे आपका सही, सही है। पेनिसिलियम जो है जो की आपकी इसमें गुण से आता है, एस्कोमाइसिटिस में आता है, इसमें एस्कोकार बनता है। बिल्कुल। म्यूकर जो है इसमें डाइकेरियन फेज नहीं बनती है, म्यूकर फाइकोमाइसिटिस में आता है। हाँ। और डाइकेरियन फेज जो है वो बनती है एक तो एस्कोमाइसिटिस में और एक बेसिडियोमाइसिटिस में। एस्परजिलस जो है वो कोनिडिया का फॉर्मेशन यहाँ पे आप कह सकते हो करता है, होता है। तो मिसमैचिंग यहाँ पूछा है, तो थर्ड आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सही भाई। देखिएगा राइजोपस है, राइजोपस म्यूकर जाइगोमाइसिटिस से रिलेटेड है। बिल्कुल। अब जो फाइकोमाइसिटिस में दो क्लास है, ओमाइसिटिस और एक जाइगोमाइसिटिस। अब ओमाइसिटिस के अंदर तो आप जानते हैं कि भाई जूस्पोर बनते हैं, जूस्पोर एंजाइम में जूस्पोर, और यहां आपके बनते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियम बनते हैं, तो दोनों बनते हैं एंडोजेनसली हैं, लेकिन ये मोटाइल होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, बस फर्क इतना सा होता है। अच्छा, बाकी आप एस्को में कोनिडिया एसेक्सुअल बनते हैं और सेक्सुअल आपके एस्कोस्पोर। बिल्कुल। एस्कस में अपन बात करते हैं। अच्छा, डाइकेरियन फेज प्लाज्मोगेमी होने के बाद में अगर टू न्यूक्लियाई पर सेल कई देर तक रहे तो उसको आप डाइकेरियन फेज बोलते हैं। बिल्कुल। और वो अपन प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी वो अपन और क्लियर कर देंगे। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो आंसर है थर्ड हो गया, थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो भाई इनसे आपको मैच करना है। देखिएगा आपसे पूछा है कि एडिबल फंजाई भाई कितने खाने योग्य कवक हो सकते हैं। हाँ। तो एक तो आप जानते हो बफल ट्रफल जो एस्को से रिलेटेड होता है। बिल्कुल। और एक मशरूम एगेरिकस। तो फर्स्ट से आपका रिलेटेड कौन सा हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ हो गया। फिर आप जानते हो कि ओब्लिगेट पैरासाइट, तो यहाँ पे ओब्लिगेट पैरासाइट पक्सिनी आपका होगा थर्ड, क्योंकि पक्सिनी ग्रेमिनस। बिल्कुल। जो गेहूं में काला किट करता, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, वीट, सही। और आप कहते हो कि लैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ड्यूटेरोमाइसिटिस में एब्सेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेप्टेड सिनोसाइटिक माइसिलियम, तो आप जानते हो कि ब्रेड मोल्ड, क्योंकि फाइकोमाइसिटिस में, और ब्रेड मोल्ड होता है राइजोपस जो फाइकोमाइसिटिस में होता है। बिल्कुल। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिएगा मैचिंग करनी है, मैचिंग अपन को करनी है। और आप समझ सकते हैं कि डी के अंदर आपका सेकंड है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। आंसर आपका क्या हो गया भाई, थर्ड। तो नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 35। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई स्पेशली सेक फंजाई। सेक फंजाई थे मतलब समझ जाना, डाइकेरियन फेज की बात कर रहा है, एस्कोमाइसिटिस की बात कर रहा है। फंजाई विशेष रूप से सेक फंजाई अपनी पीढ़ी एकांतरण अथवा जीवन चक्र में निम्न पदों को संपन्न करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर सेक फंजाई मतलब एस्कोमाइसिटिस की बात हो रही है, तो वहां पे डाइकेरियन फेज आती है। तो यहाँ पे क्लियर कट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोगेमी, डाइकेरियन फेज, कैरियोगेमी, मियोसिस। यहाँ पर मतलब ये है कि प्लाज्मोगेमी के बाद में और कैरियोगेमी से पहले अगर दो न्यूक्लियस वाली फेज लंबे टाइम तक रह जाए तब उसको हम लोग बोलते हैं कि डाइकेरियन फेज है। भाई सीधी सी बात है, फंजाई के लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन स्टेज होती है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। बिल्कुल। फाइकोमाइसिटिस में प्लाज्मोगेमी जब होती है तो तुरंत कैरियोगेमी हो जाती है। बिल्कुल। और एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियो में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होने के बाद में जो दो न्यूक्लियाई होते हैं डाइकेरियन स्टेज बन जाती है, वो लंबे समय तक चलती है, उसके पश्चात कैरियोगेमी और क्या होती है, मियोसिस, यानी कैरियोगेमी डिले हो जाती है वहां पे। बिल्कुल। देखिएगा वहां पर जैसे एस्कोमाइसिटिस में क्या होता है, ये फंगल आईपी है। अब ये फंगल आईपी आपके सेप्टेट, सिंपल सेप्टेट, यूनिन्यूक्लिएट है। क्लियर। अब प्लस और माइनस टाइप के, जैसे आप समझ सकते हैं कि भाई प्लस और माइनस हाइपी अपन यहां पर ले, हाइपी अगर अपन ले यहां पे, तो ये फंगल हाइपी जैसे ही पास पास आएंगे इनकी वॉल डिग्रेड होगी, वॉल डिग्रेड होते ही यहां एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई हो जाते हैं। बिल्कुल। यहां जो सेल है उसके अंदर टू न्यूक्लियाई आ जाते हैं। प्लाज्मोगेमी हो गई और यहां पर एक सेल में दो न्यूक्लियस हो गए,
ये दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, उसको आप कहते हो डाइकेरियन, डाइकेरियन फेज। और इसी के ऊपर फिर आप एस्कस, जिन एस्कस बनता है, फिर वहां जाते हैं तो कैरियोगेमी होती है, फिर मियोसिस होते हैं, एस्को स्पोर आपके बनते हैं जो कि सेक्सुअल स्पोर है। बिल्कुल, तो इसमें मोर करेक्ट आंसर सेकंड आपका हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ग्रुप ऑफ फंजाई बिलोंग टू एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस से कौन से फंजा रिलेटेड है, एस पर जिलस यहां पर जो लिखा है ठीक है, एग्रिकस जो ओबेसिडियोमाइसिटिस में आ गया, एल्बुगो कैंडिडा यहां पर जो फाइकोमाइसिटिस में आ गया, क्लेविसेप्स ये जो यहां पर आप कह सकते हो एस्को का एस्कोमाइसिटिस में, एस्पर्जिलस भी एस्को का, मोरिल्स भी आपका एस्को का, मोरकेला। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, बाकी पक्सिनिया देखो बेसिडियो में है, ये दोनों एस्को ही है, एस्को है ना, और यहाँ यूस्टुलेगो बेसिडियो है। बिल्कुल, फिर ये दोनों आपके एस्कोमाइसिटिस के हैं परफेक्टली, जो तीनों एस्को हैं वो आपके हैं क्लेविसेप्स, एस्पर्जिलस, मोरिल्स। आंसर विल बी सेकंड, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, लेकिन फाइको के कुछ जो मेंबर होते हैं उन अगर एल्बुगो में ओमाइसिटीज में आप जानते हैं कि गैमेटेंजल कॉन्टेक्ट नहीं दिया गया, तो जो वहां पर आप जानते हैं जो कॉम्पेटेबल गैमेट होते हैं वो सेम साइज के हो सकते हैं वहां पर, और आइसोगेमी हो सकती है, और फिर एनाइसोगेमी हो सकती है, फिर उगेमी। तो यहाँ पर आपके एनसाइटिक लाइन है और सेकंड आंसर आपका हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, रस्ट एल्बुगो एंड अल्टरनेरिया बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप, ये जो रस्ट यहाँ पर है, एल्बुगो है और जो अल्टरनेरिया है, ये कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, ऑल आर सेप्रोफाइटिक फंजाई, ऑल आर पैरासाइटिक फंजाई, ऑल आर होस्ट स्पेसिफिक, बोथ टू एंड की, तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो गया फोर्थ। भाई देखो रस्ट जो किट रो करते हैं जैसे पक्सिनिया है या एल्बुगो है, तो आप जानते हैं कि एल्बुगो भी हो गया, और अल्टरनेरिया सोलेनी जो आलू में अगेती है हमारी, अर्ली प्लांट ऑफ पोटैटो है ना, तो आप समझ रहे हैं कि भाई इसमें बोथ हो जाएगा। ऑब्लिगेट होते हैं जो भी पैरासाइट होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं, तो बोथ सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39, बिल्कुल मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, दिए गए स्तंभ फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करना है, और कॉलम फर्स्ट में आपको पता है कि दे रखा है एस्को कार्प, बिल्कुल एस्को मैसेज करेक्टर है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उनमें फ्लूटिंग बॉडी बनती है, तो ये फ्लनका है फ्लूटिंग बॉडी एस्कोमाइसिटीज, बिल्कुल, और बेसिडियम कार्प जो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में बनती है उसकी फ्लूटिंग बॉडी हो, बिल्कुल है ना। अब आप समझ रहे हैं कि भाई देखो एस्को कार्प में फोर स्पोर, बिल्कुल एस्को स्पोर होते हैं, क्लियर इनसाइड, आप जानते हैं कि एक्जोजेनसली स्पोर फॉर्मेशन ये बेसिडियो कार्प का करेक्टर है, क्योंकि एस्को कार्प में तो एंडोजेनसली अंतर जात, ये जो सेक्सुअल स्पोर, एक तो एसेक्सुअल स्पोर की बात होती है, एसेक्सुअल स्पोर फाइको के अंदर तो जो स्पोरेंजियो स्पोर है, जो स्पोर एंडोजेनसली होते हैं, बिल्कुल, और एस्को के अंदर कोनिडिया एक्जोजेनस होता है, और सेक्सुअल स्पोर में एस्कोमाइसिटिस में एस्कस में एस्को स्पोर होते हैं एंडोजेनसली, और बेसिडियोमाइसिटिस में बेसिडियो स्पोर होते हैं एक्जोजेनसली, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। अब आप समझ सकते हैं ये आपकी बात होगी, और एट स्पोर से कोई मीन नहीं है, फिर आप जानते हैं एस्को स्पोर एस्को कार्प में एंडोजेनसली स्पोर फॉर्मेशन हो गया, और बेसिडियो कार्प में ये पक्सिनिया इसका करेक्टर हो, बेसिडियोमाइसिटिस में आ गया, और एस्को कार्प में ये क्लेविसेप्स की बात हो गई, बिल्कुल। वैसे पक्सिनिया पैरासाइट फंजाई ये नहीं होता है, लेकिन यहां बेसिडियो का मेंबर दे रखा है, इसलिए उसके हिसाब से अकॉर्डिंग ये आंसर चला जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि बेसिडियोमाइसिटिस जो होते हैं उनमें सब में बेसिडियो कार्प नहीं होती है, बिल्कुल सभी मेंबर कुछ स्पीशीज में होती है, हां कुछ जो एडिबल होती है बिल्कुल वहीं पे आपकी होती है, पक्सिनिया वहां पैरासाइट है, लेकिन अकॉर्डिंग ऑप्शन अपन यहां बात करेंगे। अब आप देखिएगा कि एसे एसे आपके मैच हो गए फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, बिल्कुल, तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स ए के अंदर आप समझ रहे हैं वन फोर और सिक्स, हाँ वन फोर और सिक्स, तो वन फोर और सिक्स ए में आप देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन बिल्कुल थर्ड ऑप्शन, और बी में सेकंड थर्ड और फिफ्थ, बिल्कुल सही, क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एक्सेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन कॉल्ड सिनोसाइटिक इज कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन, तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल भाई मेनली जो फंजाई का क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम की संरचना पे, और माइसीलियम फंगल हाइपी से, तो यहाँ जो फाइकोमाइसिटिस इसके अंदर जो फंगल हाइपी है वो एज ए कंटिन्यूस ट्यूब लाइक सतत नलिका का एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड मतलब कोई सेप्टा नहीं है, और मल्टीन्यूक्लिएट सिनोसाइटिक कंडीशन, बिल्कुल
आप समझ रहे हैं कि सही बात है, दो न्यूक्लियस के बीच सेप्टा यहाँ पर नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो ये आप समझ सकते हैं कि भाई ये किस कंडीशन किस में है, तो ये होती है फाइकोमाइसिटिस में, जिसके मेंबर होते हैं जाइगोमाइसिटिस और ओमाइसिटिस, बिल्कुल जो सब क्लास होती है। तो यहाँ देखिएगा कि जाइगो में होता है लेकिन एस्को में नहीं है, यहाँ बेसिडियो में नहीं है, ये फाइको पूरा कंप्लीट में है, ओमाइसिटिस में है लेकिन ड्यूटेरो में नहीं है, ये कंप्लीट आपका हो गया जाइगोमाइसिटिस और ओमाइसिटिस, मतलब फाइकोमाइसिटिस में आता है, फाइकोमाइसिटिस करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, चौथा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल है ना। तो अब आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ राइजोपस जो कि फाइकोमाइसिटिस का मेंबर है, प्रेजेंस ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर, बिल्कुल आप यहाँ पे कह सकते हैं जो यहाँ पे राइजोपस है उसमें स्पोरेंजियोस्पोर बनता है जो कि स्पोरेंजिया में आप कह सकते हो एंडोजिनसली बनता है, बिल्कुल। फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, यहाँ पर जूस्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा, जाइगोस्पोर एज सेक्सुअल स्पोर, बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर के फॉर्म में जाइगोस्पोर बनता है। इसके बाद में एस्कोस्पोर फॉर्मेट चलिए, तो एस्कोमाइसिटिस का हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपने बात की कि यहाँ पर जो कैरेक्टर आपके ए और जो सी रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन के अंदर जो ए और सी ऑप्शन है आप समझ रहे हैं कि वो करेक्ट है, करेक्ट है, और बी एंड डी जो है वो इनकरेक्ट हो गए, आप समझ सकते हैं कि भी क्या होता है। जाइगोमाइसिटिस के अंदर जो एप्लेनोस्पोर होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, बिल्कुल नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर इन साइड स्पोरेंजिया, बिल्कुल, और जो गैमेटेंजियल वहां पर कॉपुलेशन कॉपुलेशन होता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो कॉपुलेशन में से गैमेटेंजिया बनते हैं, मतलब और स्पेशली गैमेटेंजिया ऐसे फ्यूज हो, बिल्कुल गैमेट का फॉर्मेट जिसमें होता है गैमेटेंजिया फ्यूज होते हैं, आप जानते हैं जाइगोस्पोरेंजियम बनती है, उसमें जाइगोस्पोर बनते हैं, बिल्कुल क्या बनते हैं जाइगोस्पोर। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42, एब्सेंस ऑफ मोटाइल फॉर्म्स एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कोनिडिया एंड एंडोजिनसली सेक्सुअल स्पोर इज ए कैरेक्टर ऑफ क्लास गतिशील रूपों की अनुपस्थिति कोनिडिया द्वारा लैंगिक जनन तथा अंतर जातीय लैंगिक बीजाणु किस एक वर्ग का चरित्र है, जाइगोमाइसिटिस, जाइगोमाइसिटिस जो है यहाँ पे कोनिडिया का फॉर्मेशन नहीं होगा, आपने उसी भी इसी बात बताया। एस्कोमाइसिटिस यहाँ पर जो है उसमें आप कह सकते हो कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कोनिडिया से होता है, और यहाँ पर जो सेक्सुअल स्पोर है वो आप यहाँ पे कह सकते हो बनते हैं जो कि एस्कस स्पोर्स है, ठीक है, जो कि एस्कस यहाँ पे स्पोर होते हैं जो कि एंडोजिनसली यहाँ पर बन जाते हैं। ओमाइसिटिस के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो कोनिडिया नहीं बनता, और जो बेसिडियोमाइसिटिस है यहाँ पर जो है वो सेक्सुअल स्पोर एक्सोजिनसली होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया सही। तो भाई देखिए वही बात आ गई कि भाई मोटाइल फॉर्म यानी जाइगो में और एस्को में दोनों में कभी भी मोटाइल फॉर्म नहीं होती, कभी नहीं होती है ना। अब एस्कोमाइसिटिस में जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो तो आप जानते हैं कि कोनिडियोफोर पे सीधा कोनिडियोस्पोर बनते हैं, वो तो एक्सोजेनसली है, नॉन मोटाइल है, और जो एस्कोस्पोर बनते हैं एंडोजेनसली वो भी नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल, उनके लाइफ साइकिल में कहीं भी कोई मोटाइल फॉर्म नहीं होती है, वो आपका आंसर आपका हो गया एस्कोमाइसिटिस। सेकंड, और जाइगो में भी नहीं होता है लेकिन यहाँ कोनिडिया नहीं है, बिल्कुल यहाँ आप जानते अभी अपने डिस्कस किया था कि एंडोजेनसली एसेक्सुअल स्पोर है, बिल्कुल एंडोजेनसली एसेक्सुअल स्पोर, तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, सेलेक्ट एडिबल मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस का खाने योग्य सदस्य यहाँ पर कौन सा है, न्यूरोस्पोरा, ये यहाँ पे खाने योग्य सदस्य नहीं है, मशरूम ये खाने योग्य है लेकिन बेसिडियोमाइसिटिस का है, मोर्चेला ये यहाँ पे आप कह सकते हो खाने योग्य है, बफल टफल कर रहे हैं, ये सब इसमें आते हैं, ये आप समझते हैं कि 100% आंसर हो गया क्योंकि एस्को से रिलेटेड पूछा है, ये एगेरिकस तो मशरूम ही है, मशरूम होगा है ना, तो आंसर आपका ये हो गया थर्ड। हाँ भाई देखो एगेरिकस तो बेसिडियो का एडिबल मेंबर है, बिल्कुल, और मशरूम जो सबसे ज्यादा खाने वाले वैसे बेसिडियो से रिलेटेड है, लेकिन मोर्चेला जो होता है वो एस्को से रिलेटेड है, पूछा आपको इसको का। हाँ तो नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट फॉल्स इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सही है बिल्कुल, रस्ट एंड स्मट बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटिस, बिल्कुल सही है, रस्ट किससे होता है पक्सिनिया से, और जो स्मट है वो किससे होता है ऑस्ट्रेलिया से होता है, एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस जो है उसमें एसेक्सुअल स्पोर जो है आप यहां कह सकते हो एब्सेंट होता है, बेसिडियोस्पोर आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन द बेसिडियम, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि यहां पर जो आपने बताया था कि बेसिडियम के अंदर कैरियोगेमी तो इनसाइड हो गई, पहले प्लाज्मा में कैरियोगेमी तो हो गई लेकिन सब बेसिडियोस्पोर बनते हैं बाहर की तो वो एक्सोजेनसली अरेंज होते हैं, एक्सोजेनसली तभी जो क्लब सैप होते हैं, क्लब सैप इसीलिए इनको बोलते हैं क्लब फंजाई, मुग्धाकार कवक जो होते हैं, बिल्कुल है ना, हनुमान जी की जो गदा थी उसके समान होते हैं, है ना।
और एगरिकस बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, तो ये करेक्ट है, और पक्षी ने बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, ये भी करेक्ट है, है ना। तो आपके अकॉर्डिंग असत्य नहीं है, हाँ असत्य नहीं, सत्य पूछ लिया, सत्य पूछ लिया, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, आप जानते हैं कि सेकंड भी करेक्ट है और ये रॉन्ग है, उसके बाद ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो चार स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गए, आंसर सेकंड हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45, रस्ट एंड स्मट डिजीज आर फंगल डिजीज, दे आर कॉज्ड बाय फॉलोइंग फंगस, तो आपको पता है रस्ट किससे होता है, पक्सिनिया से, स्मट किससे होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका नीट एग्जाम में आता है, काफी बड़ा रस्ट और स्मट बिल्कुल डिजीज करने वाले फंजाई किस क्लास से रिलेटेड है, बेसिडियोमाइसिटिस, रस्ट और स्मट डिजीज करने वाले किस क्लास से रिलेटेड है, बेसिडियोमाइसिटिस से रिलेटेड है, बिल्कुल है ना, मशरूम और वो भी आपके आ जाएंगे, लेकिन रस्ट और स्मट पक्सिनिया ग्रेमिनस ब्लैक रस्ट इन व्हीट और यूस्टुलेगो नूडा, जो आप जानते हो कि लूज स्मट डिजीज करता है व्हीट, बिल्कुल है ना, तो ये आपका 100% हो गया, रस्ट और स्मट डिजीज करने वाले ज्यादातर जो फंजाई रिलेटेड होते हैं बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर होते हैं, तो ये आपका आंसर सेकंड हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, स्तंभ फर्स्ट को सेकंड को आपको मिलान करना है, तो ध्यान दीजिए कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, तो यहाँ फर्स्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज, बिल्कुल, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज जो फंजाई इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट आई परफेक्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता नहीं होती है, बिल्कुल, और उनमें लाइफ साइकिल नहीं होता है, तो यहाँ देखिएगा कि ड्यूटेरो से आपका रिलेट हो गया सेकंड लैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ड्यूटेरो से रिलेट हो गया आपका लैक ऑफ सेल्स, लैक ऑफ लाइफ साइकिल, सेक्सुअल स्टेज नहीं, सेक्सुअल स्टेज लाइफ साइकिल बनेगी। फिर बेसिडियोमाइसिटिस से रिलेट आपका हो गया डाइकेरियन, बिल्कुल है ना, इसके अलावा बेसिडियो से आपका रिलेट हो गया फोर एल्गल फंजाई, किसी में नहीं आएगा क्योंकि एल्गल फंजाई फाइकोमाइसिटीज होता है, बिल्कुल, जो कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पर आपका आंसर हो गया फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, द माइसीलियम इन फंजाई में बी सेप्टेट और एसेप्टेट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक, बिल्कुल ये क्वेश्चन बार बार आपके सामने आ रहा है, फाइकोमाइसिटिस, एसेप्टेट सिनोसाइटिक माइसीलियम होता है, वो किसी में होता है फाइकोमाइसिटिस, बाकी सेप्टेट फंजाई होते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज में सिंपल सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएट, सिंपल सेप्टेट सरल पट्युक्त एक केंद्र की, और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर सिंपल सेप्टेट नहीं होते हैं, डोलीफोर सेप्टा होते हैं और परमानेंट बाइन्यूक्लिएट होता है, बिल्कुल वहां डोलीफोर सेप्टा होते हैं, क्लैम कनेक्शन होते हैं, क्लैम कनेक्शन होते हैं, हाँ हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ये जो फंगल हाइपी है ये आपका हो गया फाइकोमाइसिटीज का, ये जो फंगल हाइपी है ये फंगल हाइपी आपका सिंपल सेप्टा यूनिन्यूक्लिएट, ये हो गया एस्कोमाइसिटीज का, और ये जो फंगल हाइपी है ये फंगल हाइपी जो परमानेंट बनता है और इसमें स्पेशल सेप्टा डोलीफोर सेप्टा और यहाँ स्पेशली कनेक्शन क्लैम कनेक्शन जो है ये क्लैम कनेक्शन है, तो ये बेसिडियोमाइसिटीज का करेक्ट है, बेसिडियोमाइसिटीज का करेक्ट, इसमें क्या होता है एक सेल का न्यूक्लियस कॉपी होके क्लैम कनेक्शन के थ्रू आगे वाले सेल में पहुंच जाता है, तो ये लेकिन यहाँ पर आपका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर रॉन्ग अबाउट फंगे गिवन बिलो, दिए गए खतरों में कितने खतन गलत हैं कवक के लिए, हाँ तो आप देखिएगा कि सिनोसाइटिक कंडीशन प्रेजेंटिंग यीस्ट, ये रॉन्ग है, उसे यूनिसेलुलर होता है और वो भी फाइको वैसे माइसिलियम में नहीं होता और वो एस्को का मेंबर है, बिल्कुल क्लियर, फंगई आर कॉस्मोपोलिटन नेचर, बिल्कुल सही बात है, फंजाई भी हर जगह पर है, अपने आवासों में बहुत सारी विविधता प्रदर्शित करते हैं, मोस्ट सोइल है, प्रिकल जैम जेलीज है, या मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है, मॉइस्चर होता है, वहां फंजाई पनप जाते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज लैक ऑफ सेक्स ऑर्गन बट परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये करेक्ट है, सही है, यीस्ट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड बियर, करेक्ट है, सही है, पहले भी होता था, नेटवर्क ऑफ हाइपी इज नोन एज माइसीलियम, बिल्कुल सही है, ये जो फंगल हाइपी होते हैं इनका नेटवर्क आपका क्या होता है माइसीलियम, अच्छा होता है उसको माइसीलियम बोलते हैं, लूज टिश्यू टिश्यू ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल नहीं होता है, तो यहाँ पर आप देखिएगा बी सी डी ई यानी कितना सही है, सही है, तो गलत आपसे पूछा है, लेकिन तो गलत यहाँ पर क्या एक ही है, बिल्कुल, तो सेकंड आपका आंसर हो गया, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49, मेंबर ऑफ फॉलोइंग क्लास ऑफ फंजाई आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट पर सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज जो है वो यहाँ पे नहीं होते, फाइकोमाइसिटीज जो यहाँ पर है जिसको आप लोग बोलते हो एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई बिल्कुल करेक्ट, एल्गल फंजाई क्यों बोलते हैं क्योंकि वो उनका जो माइसीलियम होता है ब्रांच्ड है, एसेप्टेड सिनोसाइटिक है, और उनके अंदर आप समझ सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि उनका जो ऐसे फंगल हाइपी है ये है और एसेप्टेट है, मल्टीन्यूक्लिएट है, बिल्कुल, और आप समझ सकते हैं कि इस पे म्यूसिलेज कवरिंग है, म्यूसिलेज कवरिंग है, तो ये एक्वेटिक फंजाई या एल्गल फंजाई जो लोअर फंजाई है फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफेक्टली डिस्कवर्ड इन ड्यूटेरोमाइसिटीज देन दे शिफ्टिंग, देखिए बच्चों
ड्यूटेरोमाइसिटिस जो है उसमें सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर्ड अब तक नहीं हुई है, लेकिन जब उसकी डिस्कवरी हो जाएगी हम उसको एस्कोमाइसिटिस में या बेसिडियोमाइसिटिस में रख देंगे, हम उसको फाइकोमाइसिटिस में नहीं रखेंगे क्योंकि फाइकोमाइसिटिस तो एसेप्टेट है, ये यहां पर सेप्टेट है, सेप्टेट है, कोनिडिया है। कोनिडिया बात है कि जिन स्पीसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परफेक्ट स्टेज ज्ञात नहीं है वो फंजे इंपरफेक्ट है, ड्यूटेरो। अब जैसे ही परफेक्ट स्टेज डिस्कवर्ड हो जाती है, ज्ञात हो जाती है, तो शिफ्ट हो जाते हैं एस्को में या बेसिडियो में, मेनली किसी में एस्को में। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर आपका हो गया सेकंड ऑप्शन, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, आंसर विल बी सेकंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूप से अपन ने 50 क्वेश्चंस किए आपके सामने और 100% हमने सीक्वेंस रखी प्रोटिस्टा और फंजाई। अब नेक्स्ट में अपन फंजाई और एल्गी के क्वेश्चंस अपन करेंगे, तो आप सीएलसी यूट्यूब पेज को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप रिप्रेस करें और आप समझे कि बिल्कुल आपके पास जो इसका नोटिफिकेशन आ जाए, और बिल्कुल आप सीक्वेंस में जो पढ़ रहे हैं तो सर और हम बिल्कुल इसको सीक्वेंस में आपके सामने सोल्व करेंगे, है ना, और बिल्कुल आप बहुत ही तरीके से हम इसको आपके सामने पेश करेंगे भाई। बच्चों हम इसको अरेंज इस तरीके से करते हैं ताकि सीक्वेंस बने रहे, जैसे हमने पहले यहाँ पे मोनरा के क्वेश्चन कर लिए, फिर हमने प्रोटिस्टा के क्वेश्चन कर लिए, आज हमने फंजाई और फंजाई के क्वेश्चन कर लिए। अगले लेक्चर में हम कुछ बचे हुए फंजाई के क्वेश्चन और एल्गी के क्वेश्चन जो है उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे और बहुत बेस्ट तरीके से हम आपके सामने सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम आपका साथ और आपका सानिध्य, आपका मतलब खुशनुमा चेहरा, आपके कमेंट्स और आपके अच्छी चीजें अगर हमारे साथ रहेगी तो हम इसको और बेस्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।